तो आइए सुपर सिक्स की शुरुआत करते हैं। मोदी को हराने के लिए साथ आ सकते हैं राहुल, ममता और केजरीवाल। शरद पवार के घर विपक्षी दलों की बैठक में तीनों नेता शामिल हुए हैं। शरद पवार के घर बैठक के बाद बोले राहुल, भारतीय संस्थानों पर कब्जा कर रहे हैं मोदी और आरएसएस, उनके खिलाफ लड़ाई में हम साथ हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी और अमित शाह के हाथ से एक भारत को टूटने से बचाने के लिए हम साथ हैं। विपक्षी नेताओं के साथ बैठक में बोले केजरीवाल, मोदी और शाह ने 5 साल में देश का भाईचारा खत्म किया। फारूख अब्दुल्ला ने भी किया विपक्षी दलों की एकता का समर्थन, कहा ऐसी सरकार आए तो सबके लिए काम करे। इससे पहले बुधवार को मोदी सरकार के खिलाफ दिल्ली में केजरीवाल की रैली में जुटे मोदी विरोधी नेता, नारा दिया तानाशाही हटाओ लोकतंत्र बचाओ। आपकी रैली में बोली ममता बनर्जी, महात्मा गांधी जी से प्रार्थना है मोदी हटे और देश बचे। लखनऊ दौरे के चौथे दिन आज प्रियंका गांधी करेंगी प्रेस कॉन्फ्रेंस, कार्यकर्ताओं से भी करेंगी मुलाकात। लखनऊ दौरे के तीसरे दिन भी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कार्यकर्ताओं से की मुलाकात, देर रात तक कार्यकर्ताओं से चर्चा की। प्रियंका गांधी और सिंधिया से मिलने वालों से पूछी जा रही है जाति, फॉर्म भरवाकर सोशल मीडिया अकाउंट्स के बारे में भी जानकारी मांगी गई। लखनऊ में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में राहुल और प्रियंका के समर्थन में की नारेबाजी। यूपी में कांग्रेस और महान दल के बीच फिर गठबंधन पर मोहर, महान दल के अध्यक्ष केशव देव मौर्य ने प्रियंका और सिंधिया से मुलाकात की। 16वीं लोकसभा के आखिरी दिन राहुल पर मोदी का ताना, कहा पहली बार गले लगने और गले पड़ने का फर्क जाना। लोकसभा में आखिरी दिन मोदी के मुरीद दिखे मुलायम, कहा मेरी कामना है मोदी फिर बने प्रधानमंत्री। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने लखनऊ में लगाए पोस्टर, मोदी के दोबारा पीएम बनने की कामना करने पर मुलायम को धन्यवाद दिया। एसपी नेता मुलायम सिंह यादव के पीएम मोदी की तारीफ पर शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर महागठबंधन को घेरा, शिवराज बोले नेताजी को भी नहीं पसंद माया अखिलेश का साथ। शिवसेना ने जताई फिर एनडीए सरकार आने की उम्मीद, लोकसभा में शिवसेना सांसद ने कहा कि मोदी सरकार ने 5 साल में देश हित में काम किया। दिल्ली में अफसरों पर नियंत्रण के मसले पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनाएगा फैसला। दिल्ली में ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार उपराज्यपाल के पास है, दिल्ली सरकार का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ के फैसले के बाद यह हक उसे मिलना चाहिए। संविधान पीठ ने इस बात को सर्वसम्मति से माना था कि असली शक्ति मंत्रिमंडल के पास है और चुनी गई सरकार से ही दिल्ली चलेगी। बीकानेर में कथित जमीन घोटाले के मामले में जयपुर में ईडी ने रॉबर्ट वाड्रा से करीब 9 घंटे तक की पूछताछ। ईडी ने रॉबर्ट वाड्रा से महेश नागर और दुबई के व्यवसायी सीसी थम्पी के बीच संबंधों पर पूछताछ की है। विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह ने एचएएल की मौजूदा स्थिति पर सवाल उठाए। वीके सिंह ने कहा कि एचएएल की हालत देखे विमान के हिस्से रनवे पर गिर रहे हैं, हाल ही में हमारे 2 पायलट्स की जान चली गई है। एनसीपी कांग्रेस गठबंधन में एमएनएस को शामिल करने को लेकर अजीत पवार की राज ठाकरे से मुलाकात। इससे पहले एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने कांग्रेस एनसीपी गठबंधन में एमएनएस को साथ लेने से इनकार किया था। महाराष्ट्र में एमएनएस 4 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है लेकिन एनसीपी उसे 2 सीटें देने को राजी है। राजस्थान में आंदोलन के बीच गुर्जरों के आरक्षण का विधेयक पास हुआ। गुर्जर आरक्षण पर विधेयक पास होने के बाद बोले किरोड़ी सिंह बैसला, कहा स्थिति पूरी तरह साफ होने तक जारी रहेगा आंदोलन। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ओवैसी के कार्यक्रम को लेकर हुए छात्रों के विवाद के बाद सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हुई झड़प के मामले में पुलिस ने 14 छात्रों के खिलाफ राष्ट्रद्रोह का केस दर्ज किया। आज फिर प्रयागराज जाएंगे एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव, योगी सरकार के रोके जाने के बाद अखिलेश का पिछला दौरा हुआ था रद्द। मॉब लिंचिंग पर नीतीश कुमार का बड़ा बयान, कहा यह आज की कहानी नहीं लंबे समय से चली आ रही है लिंचिंग। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आज गुजरात के वलसाड़ जिले में जनसभा को संबोधित कर लोकसभा के चुनावी अभियान का बिगुल फूकेंगे। आज राजस्थान दौरे पर राहुल गांधी अजमेर में सेवादल के महाअधिवेशन को भी संबोधित करेंगे। आज उत्तराखंड के रुद्रपुर में पीएम मोदी जनसभा को संबोधित करेंगे। एमपी में इंदौर के एक दूल्हे ने हाथ पर मेहंदी से लिखवाया मोदी अगेन,
हाथ पर कमल का चुनाव चिन्ह भी बनवाया। हाथों पर मेहंदी से मोदी अगेन लिखवाने वाले दूल्हे को शिवराज सिंह चौहान ने घर पहुंचकर आशीर्वाद दिया। एमपी की शिवराज सरकार में मंत्री रहे कंप्यूटर बाबा ने राम मंदिर पर बीजेपी पर कसा तंज, बोले बीजेपी कभी नहीं करा पाएगी मंदिर का निर्माण। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में वैलेंटाइंस डे पर नहीं बनेगा मातृ पितृ पूजन दिवस, पिछली बीजेपी सरकार के फैसले के कांग्रेस सरकार ने पलटा। आंध्र प्रदेश के हैदराबाद में चुनाव आयोग ने वर्कशॉप का किया आयोजन, लोकसभा चुनाव के लिए डिस्ट्रिक्ट अधिकारियों को दिए निर्देश। पुदुचेरी के सीएम वी नारायण स्वामी ने राजभवन के बाहर उपराज्यपाल किरण बेदी के खिलाफ प्रदर्शन किया। महाराष्ट्र के यवतमाल में बीजेपी विधायक राजू तोड़साम की दो पत्नियां सड़क पर आपस में ही भिड़ गई। विधायक राजू तोड़साल ने पहली पत्नी को तलाक दिए बगैर दूसरी शादी की है। एक कार्यक्रम में जब दोनों पत्नियों का आमना सामना हुआ तो दोनों आपस में भिड़ गए। मुंबई से सटे विरार में घर देने के नाम पर ठगी करने वाले एजेंट को एमएनएस नेता ने पीटा। दिल्ली के इंदुपुरी की जय जय कॉलोनी में मामूली विवाद में एक शख्स की तलवार से हमला कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक मृतक रविंदर के घर के सामने पुराना अखाड़ा था, जिसे लेकर उसका आरोपियों से विवाद चल रहा था। दिल्ली के इंदुपुरी इलाके में सरेआम हुई हत्या की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पुलिस फुटेज की मदद से आरोपियों की तलाश में जुटी है। दिल्ली के कश्मीरी गेट इलाके में हुई हत्या के तीन आरोपी पुलिस की गिरफ्त में, हथियार भी बरामद। दिल्ली के राजौरी गार्डन इलाके में कार चोरों के गैंग का भंडाफोड़, नई कार चोरी कर नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में भेजते थे। कुशीनगर शराब कांड के मुख्य आरोपी हरेंद्र यादव को पुलिस ने किया गिरफ्तार। यूपी के कुशीनगर में जहरीली शराब पीने से 11 लोगों की मौत हुई थी। लखनऊ के ठाकुरगंज इलाके में पति ने अपनी पत्नी को सरेआम गोली मारी, हालत नाजुक है। लखनऊ में पति के हमले में घायल महिला ऑर्केस्ट्रा आर्टिस्ट है, शादी के बाद से ही उसका पति से विवाद होता रहता था। यूपी के मुरादाबाद अभिनेत्री अमीषा पटेल समेत 4 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का केस, 11 लाख रुपए लेने के बावजूद शादी समारोह में नहीं दी परफॉर्मेंस। यूपी के गोंडा में प्रधानमंत्री आवास योजना में गड़बड़ी की शिकायत करने वाले को ग्राम विकास अधिकारी ने पीटा। यूपी के फतेहपुर में सदर कोतवाली में गुंडई और गाली गलौज का वीडियो वायरल हुआ। वाराणसी में 9 क्लास का छात्र ही निकला साथी का हत्यारा, आपसी कहासुनी में की थी साथी की हत्या। यूपी के सोनभद्र में टीचर पर लगा छेड़छाड़ का आरोप, शिकायत के बाद आरोपी टीचर फरार है। लुधियाना गैंगरेप मामले में पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया। आंध्र के विशाखापट्टनम में 8वीं के छात्र ने हॉस्टल में की खुदकुशी, क्लास में ना आने पर टीचर ने लगाई थी फटकार। गुजरात में नवसारी में नकली मसाला बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़, 2 आरोपी गिरफ्तार हुए। मुंबई अहमदाबाद हाईवे के करीब चिंचोटी में 2 फैक्ट्रियों पर छापा मारकर 2000 किलो मिलावटी पनीर जब्त किया गया। जम्मू श्रीनगर हाईवे से बर्फ हटाने का काम शुरू, पिछले 1 हफ्ते से बंद है हाईवे। जम्मू में यूथ शिवसेना भारत के कार्यकर्ताओं ने वैलेंटाइन डे के विरोध में प्रदर्शन किया। प्यार के प्रतीक पर वैलेंटाइन डे आज है, मुंबई में फूल और गिफ्ट से सजी बाजार। महिलाओं में बढ़ते सेल्फी डिसमॉर्फिया पर डॉक्टरों ने किया सावधान, महिलाओं को परफेक्ट सेल्फी के लिए सर्जरी न कराने की सलाह दी है। मुंबई मेट्रो के इंजीनियर्स ने सीएसटी हवाई अड्डा टर्मिनल 2 पर तिरंगे को उठाकर पहली सुरंग तोड़ने का जश्न मनाया। वर्ल्ड रेडियो डे पर तमिलनाडु के कोयम्बटूर में पुराने रेडियो की प्रदर्शनी लगाई गई। आइए बात करते हैं खेल जगत की। पूर्व क्रिकेटर और दिल्ली के चयनकर्ता अमित भंडारी के साथ मारपीट के आरोपी क्रिकेटर अनुज डेढ़ा पर लगा आजीवन बैन, टीम में चयन नहीं होने पर हमला किया था। महान स्पिनर शेन वॉन ने टीम इंडिया को सलाह दी है कि उन्हें वर्ल्ड कप में ऋषभ पंत से ओपनिंग करवानी चाहिए। बेहतरीन फील्डर रहे दक्षिण अफ्रीका के जोंटी रोड्स ने, 5 बेस्ट फील्डर चुने, सुरेश रैना नंबर 1 पर। केएल राहुल ने भारत ए की तरफ से इंग्लैंड लॉयंस के खिलाफ 81 रन की पारी खेलकर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज के लिए दावा पेश किया है। ईरानी ट्रॉफी में रेस्ट ऑफ इंडिया के 330 रन के जवाब में विदर्भ ने पहली पारी में 6 विकेट पर 245 रन बनाए, आज मैच का 3रा दिन है।
वेस्टइंडीज की गेंदबाज शेनन गैब्रियल 4 मैच के लिए सस्पेंड। सेंट लूसिया टेस्ट में इंग्लैंड के कप्तान जो रूट पर समलैंगिक टिप्पणी की थी। अमेरिका के टेक्सास में खाली घर में छुपा मिला बाघ, जंगल से भटककर घर में आकर घुसा था। अमेरिका के फ्लोरिडा में चिड़ियाघर से चोरी बंदर, समंदर किनारे मिला दुर्लभ प्रजाति का ये बंदर, चिड़ियाघर से हुआ था चोरी। अमेरिका मैक्सिको बॉर्डर पर प्रस्तावित दीवार पर राष्ट्रपति ट्रंप का बयान, कहा दीवार को पार करना किसी के लिए भी आसान नहीं होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मैक्सिको बॉर्डर पर प्रस्तावित दीवार की फंडिंग के लिए समझौते से इनकार किया, कहा नहीं चाहूंगा कि दोबारा कामकाज ठप करने के हालात पैदा हों। केन्या में प्लेन क्रैश में 5 लोगों की मौत, मरने वालों में 3 अमेरिकी नागरिक भी शामिल थे। अर्जेंटीना की राजधानी में सड़कों पर लोगों का जोरदार प्रदर्शन, सरकार की आर्थिक नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन जारी है। रूस की राजधानी मॉस्को समेत पूरे देश में भारी बर्फबारी, सड़कों पर बर्फ जमने के बाद गाड़ियां जाम में फंस गईं। नासा का मंगलयान अपॉर्चुनिटी 15 सालों बाद नष्ट हुआ, वैज्ञानिकों से संपर्क टूटने के बाद नासा ने औपचारिक घोषणा की। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।